सत्ताईसवीं कहानी, दयालु सामरी कहानी। एक दिन एक यहूदी व्यवस्थाक जानकार यीशु के पास आच। उस सब यो देखुन चाँच कि यीशु गलत तरीका शिक्षा दीच। एक कारण उल क्योच, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पानखिन की करूँ? यीशु जवाब दीच, परमेश्वर व्यवस्था में की लिख रहेच। उ आदमी क्योच, उ कूच कि अपन परमेश्वरस अपन पुरमन प्राण सामर्थ और बुद्धिल प्रेम रख और अपन पड़ोसीस अपन जस प्रेम रख। यीशु लूस जवाब दीज, तैं एकदम ठीक उछ है, अगर तैं इस कर ले तो तेस अनंत जीवन मिलोल। लेकिन व्यवस्थाक जानकार लोगों देखुन चाँच कि ऊक जीवन जीना तरीका सही है। एक कारण पूल यीशु थे पूछे, ठीक है तो मेरे पड़ोसी को छे? यीशु उ व्यवस्थाक जानकारस एक कहानी बता भ्रन जवाब दीच। एक यहूदी आदिम छो जो एक सड़क बटे हो भ्रन यरूशलम है यूरुहिन जामरेच। लेकिन कुछ डाकुन ले उस देख छे और उमे हमला कर दीच। उन्होंने उ सब कुछ ले लीज और उस अदमर कर भ्रन छोड़ गयान। उग तुरंत बाद एक यहूदी याजक उई सड़क बटे हो भ्रन ग्योच। उ याजकल उ आदमिक जो सड़क में पड़ी नाक छो वो आदमी मदद न कर ओल यू आदमी तरफ देख लेने। कुछ देर बाद एक लेवी उई सड़क में आज उ लेवी ले सड़क का दूसर तरफ खिन न जांच उल ले वो आदमी से अनदेखा कर दीस। एक और आदमी उस सड़क बटे आज उस सामरिया छो। सामरी और यहूदी एक दूसरा है नफरत कर छा। उस सामरी सड़क में वो आदमी देख छे उल देख छे कि वो एक यहूदी से। लेकिन फिर ले उल ऊ में तरस खाच और ऊक पास ग्योच और ऊ घन में पट्टी बाज छे। फिर वो सामरिल ऊ आदमी अपन गधा में बैठा भिरन उस एक सराय में लिग्यो जहाँ उल ऊक देख रेख कर छे। दूसर दिन ऊ सामरी अपन सफर में जान जरूरी छो। उल उस सराय मालिकस कुछ रुपाई दियन और ऊ रू थे क्योच, यो आदमी देखभाल करे, अगर यो रुपया अलावा तेर और कुछ रुपया हवाला तो मैं वापस आभरन तेज दी दूँ। फिर यीशु उ व्यवस्थाक जानकार ते पूछे, तै की सोचे इन तीनों लोगों में भेटे उ आदमी पड़ोसी को छे जैस लूटपीट करी ग्योच? उल जवाब दीच, उखिन दयालु छो। यीशु उथे क्योच, तै जा और इस सोई कर।